स्टडी इंडिया ये हमारा नया चैनल है स्टडी इंडिया यहाँ पर हम लोग सीखे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाए और साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है स्टडी इंडिया ए यूपीएससी रेलवे उसको भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं आज का पहला सवाल हाउ लॉन्ग ए पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस इन ए हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जार्ज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फाइव ईयर्स टेन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स सेवन ईयर्स ठीक है इसका सही आंसर जो होगा फाइव ईयर्स जार्ज जो सुप्रीम कोर्ट का जार्ज है उसे फाइव ईयर्स प्रैक्टिस करना पड़ता है और जो लॉयर्स वो टेन ईयर्स प्रैक्टिस करना पड़ता है तो इस 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 क्वेश्चन को दो, दो ही तरीके से पूछा जा सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर ए और बी दोनों ही दे दिया है तो ये सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फाइव ईयर्स ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो जर्स है उसके लिए पूछा गया है तो जर्ज के लिए फाइव ईयर्स ठीक है और लेयर के लिए कितना टेन ईयर्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइन्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर गवर्नर प्रेसिडेंट इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पॉकेट फेटो इज द पावर ऑफ होम पॉकेट फेटो जो पावर है वो किसके पास होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट गवर्नर और ऑप्शन डी प्रेसिडेंट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट के पास होता है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल प्रोविजन आसाम मणिपुर राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर ये सवाल थोड़ा तेरह सवाल है ठीक है इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर स्पेशल प्रोविजन नहीं है ठीक है असम पर ये है राजस्थान पर नहीं है मणिपुर पर है जम्मू एंड कश्मीर पर है ठीक है यहाँ पर कौन सा नहीं है वो पूछा गया है ठीक है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेट आर्टिकल थर्टी टू इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राधा कृष्णन बी जी तिलक जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर इसका सही आंसर का होगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज आर्टिकल थर्टी टू राइट टू इक्वलिटी राइट एगेन एक्सप्लेन राइट टू फ्रीडम कंजर्वेशन इंड रिमिडी इसका सही आंसर का ऑप्शन डी ठीक है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एस एस सी में पहली बार देखा गया था शायद टू थाउजेंड सिक्सटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द पावर टू एक्जिक डिस्प्यूट बिट्वीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसको कौन सोल्व करेगा ठीक है उस प्रॉब्लम को सेंट्रल और स्टेट के बीच अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसे कौन संभालेगा प्रेसिडेंट सी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो इस मामले में जो सही आंसर होगा इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आकर सेंट्रल और स्टेट के बीच में बातचीत करेगा और उसे पूछा जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट व्हिच आर्टिकल अबाउट प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट आर्टिकल फोर्टी सिक्स आर्टिकल फोर्टी एट ए आर्टिकल फिफ्टी टू ऑप्शन डी आर्टिकल फोर्टी नाइन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल फोर्टी एट ए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस स्पीकर सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम कौन सा कमेटी ने रिकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम को ड्राफ्टिंग कमेटी बलबन राव मेहता कमेटी खतर कमेटी किरण सिल्वा कमेटी इसका सही आंसर का ऑप्शन बी बलबन राव मेहता कमेटी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन आज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है इसका सही आंसर का प्रेसिडेंट ठीक है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर ठीक है ये थोड़ा सवाल तेरह है ठीक है आर्टिकल सिक्सटी एट आर्टिकल सेवेंटी फोर आर्टिकल सिक्सटी वन ऑप्शन डी आर्टिकल हंड्रेड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल सेवेंटी फोर ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हुई स्टेट फर्स्ट ले एस्टाब्लिश पंचायत राज सिस्टम वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर पहली बार पंचायत सिस्टम बनाया गया बनाया गया था गुजरात उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन हुइच ऑन इज ऑल्सो नोन एज पीपल हाउस पीपल हाउस किसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट लोकसभा पार्लियामेंट राज्यसभा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा ठीक है लोकसभा को पीपल हाउस कहा जाता है क्यों कहा जाता है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई पीपल कॉल लोकसभा पीपल हाउस द पीपल हाउस क्यों कहा जाता है लोकसभा को पीपल हाउस तो लोकसभा को पीपल हाउस इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा का जो मेंबर होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट देकर रूप से सुना जाता है तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हुई आर्टिकल बी ए पार्लियामेंट आर्टिकल एटी एट आर्टिकल फिफ्टी फाइव आर्टिकल सेवेंटी वन आर्टिकल सेवेंटी नाइन इसका सही आंसर का ऑप्शन दिया आर्टिकल सेवनटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी हाउ मच मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन राज्यसभा राज्यसभा में कितने मेंबर यानी कि सदस्य सा नॉमिनेट किया जाता है ट्वेंटी मेंबर्स, ट्वेल्व मेंबर्स टू मेंबर्स, ट्वेंटी वन मेंबर्स सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्वेल्व मेंबर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुई पंचायत राज सिस्टम इनोवेटेड पंचायत राज सिस्टम कौन सी ईयर में निकाला गया था 1959, 1956, 1958, 1955 सही आंसर होगा 1959 यानी कि ए इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुइस स्टेट पंचायती राज सिस्टम डज नॉट अप्लाई इनमें से कौन सा स्टेट है जो पंचायती राज सिस्टम को नहीं मानता यानी कि पंचायती राज सिस्टम वहाँ पर नहीं है अप्लाई ही नहीं है ठीक है मिजोरम बिहार राजस्थान आसाम सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम पर मिजोरम पर पंचायती सिस्टम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैन डिस्कवर लोकसभा हु कैन डिस्ट्री विथ लोकसभा सी एज प्रेसिडेंट गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी आंसर का ऑप्शन बी प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अपार लिमिट ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ठीक है लोकसभा मेंबर का लोकसभा का मेंबर कितने हैं 555 मेंबर्स, 550, 552, 525, फाइव फिफ्टी आंसर का ऑप्शन सी फाइव हंड्रेड ठीक है यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हुई स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा राजस्थान उत्तर प्रदेश आसाम मध्य प्रदेश सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है ठीक है पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है कौन सी स्टेट में है वो होगा उत्तर प्रदेश तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का लोकसभा का मेंबर भी वहाँ उत्तर प्रदेश से ही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑन इज ज पार्लियामेंट बॉडी ऑफ पार्लियामेंट सॉरी विच ऑन इज नोन आज पार्मानेंट बॉडी ऑफ पार्लियामेंट ठीक है निश्चे दिए गए कौन सी पार्लियामेंट बॉडी का कौन सी पार्मनेंट बॉडी है पार्लियामेंट का ठीक है प्रेसिडेंट हाउस लोकसभा सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा से आंसर का ऑप्शन डी राज्यसभा ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन को डी का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था नेक्स्ट क्वेश्चन वीच स्टेट हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ठीक है हाइस्ट नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा तो ये मैंने पहली बार इसका जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने ये कहा था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीकर ऑफ लोकसभा इज सिलेक्टेड बाई हुम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल्स सुप्रीम कोर्ट मेंबर ऑफ लोकसभा सही आंसर का ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय होम ठीक है लोकसभा का स्पीकर कौन यह, यह, का इसका सही आंसर का ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लोकसभा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द ऑफिस पीरियड ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का ऑफिस पीरियड कितना ईयर का होता है टू ईयर्स थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स सही आंसर का ऑप्शन डी सिक्स ईयर्स सिक्स ईयर्स का होता है ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लोकसभा स्पीकर सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू होम ठीक है लोकसभा का जो स्पीकर है वो रेजिग्नेशन किसको देगा प्रेसिडेंट को डिप्टी स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इसका सही आंसर ऑप्शन बी डिप्टी स्पीकर को देगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज द मिनिमम टू बी कम ए मेंबर ऑफ लोकसभा वट इज अ मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा ट्वेंटी वन ईयर्स ट्वेंटी फाइव इयर्स थर्टी इयर्स थर्टी फाइव ईयर्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव ईयर्स लोकसभा का जो मेंबर है उसका एज कितना होना चाहिए यहाँ पर एज होना चाहिए ठीक है यहाँ पर एज होगा वट इज ऐ मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा ठीक है लोकसभा का जो मेंबर है उनका एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स होना चाहिए ठीक है थीके? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नॉन ऑफ एब ऑफ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हु जेनरली डज नॉट फूट इन लोकसभा बिकॉज हिज फूट इज डिसाइड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्पीकर ठीक है ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुनाता हूँ हु जेनरली डज नॉट वोट कौन है जो जेनरली वोट नहीं देता लोकसभा बिकॉज हिज वोट इज डेंसिव क्योंकि उनका जो वोट है वो निर्णायक होता है ठीक है तो इसका सही आंसर का ऑप्शन दी का काफी ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को रेलवे एग्जाम पर ये क्वेश्चन आया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी विच एम देम टेक पार्ट टू आफ होल्ड द कंस्टिट्यूशन एंड द लॉस स्टेट गवर्नर सी जी आई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इसका सही आंसर का ऑप्शन बी सी जी आई नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आर हाउ मनी हाई कोर्ट इन इंडिया ये थोड़ा तेरह सवाल है ठीक है दे आर आर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया ठीक है इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं तो ट्वेंटी नाइन फोर्टी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इसका सही आंसर का ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव है ठीक है पहले ट्वेंटी फोर था उसके बाद और एक आ गया तो ये ट्वेंटी फाइव हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वि हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्ज कौन सा हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जर्ज है इलाहाबाद कोर्ट पटना हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट मैक्सिमम तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए इलाहाबाद कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस ये थोड़ा अलग है ठीक है जो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जार्स ठीक है कितने जार्स होता है सबसे ज़्यादा कि किस हाई कोर्ट में जार्स है ठीक है हाई हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए इलाहाबाद हाईकोर्ट लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री जो है वो थोड़ा अलग है विच हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस कितने बेंचेस है नीचे दिए गए कोर्ट में सबसे ज़्यादा है? कितने हैं पटना हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट इसका सही आंसर का ऑप्शन डी गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट इज द मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू बी कम वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसका उम्र कितना होना चाहिए ट्वेंटी फाइव ईयर्स थर्टी ईयर्स थर्टी फाइव ईयर्स फोर्टी टू ईयर्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थर्टी फाइव ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ राइट इज एस टू रिस्ट्रिंग ए पार्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइल्ड टू ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्यू वो तो? ठीक है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्टली देयर वेयर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स कितने मौलिक अधिकार है सही आंसर का ऑप्शन बी मौलिक अधिकार कितने हैं सिक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंटेड गवर्नर गवर्नर को किसने नियुक्त किसने नियुक्त करता है गवर्नर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चिफ मिनिस्टर चिफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही आंसर का ऑप्शन ए प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है गवर्नर को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हाई कोर्ट जार्ज आर अपॉइंटेड बाई होम हाईकोर्ट का जो जार्ज है उसको किसने अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट्स इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज मिलिटरी पावर मिलिटरी पावर किसके पास होता है प्राइम मिनिस्टर के पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एडमर के पास और प्रेसिडेंट के पास इसका सही आंसर का ऑप्शन डी प्रेसिडेंट के पास ठीक है जो सेना है वो किसके पास है वो प्रेसिडेंट के पास है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय एनी ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसी तो इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल फिफ्टी टू ट्वेंटी आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन सही आंसर का ऑप्शन डी आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन ठीक है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी ए जी सेंस का ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एवल्यूशन ऑफ अनट्सबिलिटी सुट जो होता है वो कौन सी आर्टिकल से रिलेट करता है आर्टिकल सिक्सटी आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल एट्टी आर्टिकल नाइन्टी इसका सही आंसर का ऑप्शन बी आर्टिकल सेवेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन उस आर्टिकल हैज़ प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड राइट आर्टिकल नाइन्टी आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी टू आर्टिकल ट्वेंटी फोर सही आंसर का ऑप्शन ट्वेंटी फोर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इस क्वेश्चन को आप को समझना बहुत जरूरी है ठीक है विच आर्टिकल हैजिश प्रोवेंशन रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर आप छोटे बच्चों को काम में नहीं लगा सकते ठीक है वो कौन से आर्टिकल में आता है वो आता है आर्टिकल ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन हुइज कंट्रीज एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ सिटीजनशिप कौन सा देश है जो डुल सिटीजनशिप यानी कि दी नागरिकता देता है इंडिया फ्रांस यूएसए चाइना सही आंसर का ऑप्शन सी यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स पार्ट टू पार्ट वन पार्ट फाइव पार्ट थ्री सही आंसर का ऑप्शन डी पार्ट थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है सिक्सटी टू ईर्टी फाइव इयर्स सेवेंटी इयर्स सिक्सटी इयर्स इसका सही आंसर का ऑप्शन बी सिक्सटी फाइव इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया 62 सिक्सटी 60 या 65 ईयर नॉट स्पेसिफाइड सो आंसर का ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड ठीक है जो व्यक्ति इलेक्ट होकर आता है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होता है ठीक है और जो रिक्रूट होता है यानी कि अगर आप एस का एग्जाम देते हैं और आपको नौकरी मिल गया तो आप रिक्रूट हुआ ठीक है तो एग्ज़ाम पास करके आपको पोस्ट मिल गया तो आप जब आपका उम्र सिक्सटी हो जाएगा यानी कि सात वर्ष तो आपको क्या होगा आपको पेंशन मिलेगा और आपका नौकरी चल जाएगा तो ये होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट आर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान में यानी कि भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है सिक्स सेवन इलेवन टेन सही आंसर का ऑप्शन सी यानी कि इलेवेन नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिजाइन राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था इसका सही आंसर का ऑप्शन डी एडुन लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इज ए पावर ऑफ होम वकट वेटो पावर किसके पास होता है ये होगा प्रेसिडेंट के पास तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और आपको जीके जीके के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करना तो आज के लिए इतना ही जय हिंद